हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नीलम। आज हम बनाएंगे आलू मटर की सब्जी, और ये सब्जी इतनी झटपट बनेगी क्योंकि हम इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। 2 कप मैंने छीली हुई मटर ले ली है, ताजी मटर है ये। साथ में मैंने एक बड़ा साइज का आलू छील लिया है और इसको धो भी लिया है। मटर को मैंने पानी में भिगा के रखा हुआ है और इसके बाद हम आलू को कट करेंगे। तो चूंकि मेरा कुकर छोटा है तो मैं आपको पूरी सब्जी पहले कढ़ाई में बनाकर दिखाऊंगी, मसाला वगैरह भून के, और लास्ट मोमेंट पे जब सब्जी बनानी होगी तब हम उसे कुकर में बंद कर देंगे, तो वो झटपट से बन जाएगी। तो इसको मैंने इस शेप का आलू को काट लिया है। हमने मटर ज़्यादा डाली है, आलू हमने इसमें कम डाला है। तो इसको अभी हमने पानी में रख दिया है, उसके बाद हम पानी से निकाल देंगे। मसाले के लिए हमको 2 बड़े साइज के प्याज लगेंगे, 3 लहसुन की कलियां, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सी का पॉट लेंगे, उस पर हम डालेंगे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज। प्याज हमें बड़े साइज के 2 लेने हैं ताकि मसाला हमारा बहुत अच्छा बने, गाढ़ा गाढ़ा। और इसको अभी हम दरदरा सा पीस लेंगे। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी मसाला पीसते समय नहीं डाला था और ये मैंने दरदरा सा इसको पीस लिया है। तो इसको अब हम साइड में रखेंगे। और अब हमने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो ऑयल में 4.5 टेबल स्पून मैंने इसमें तेल डाला है। और तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 तेज़पत्ता डाल देंगे। मसाले वाली सब्जी में कभी भी राई जीरा का यूज़ ना करें, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। खड़े मसाले डालें आप। अब इसमें हमने जो मसाला पीस के रखा था वो हम डाल देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा कुकर 2 लीटर का बहुत छोटा है, उसमें मैं मसाला वगैरह डाल के भूनूंगी तो आपको इतना अच्छा दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। लास्ट में मैं इसको कुकर में शिफ्ट कर दूंगी। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने से क्या होता है, जो भी मसाला है उसकी कुकिंग फास्ट हो जाएगी, जल्दी से इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और ये जल्दी से नरम भी हो जाएगा। तो इसको हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। हाँ, गोल्डन ब्राउन हल्का सा कलर हो जाएगा तब तक हमें प्याज को भूनना है। तो देखिए प्याज हमारा भून गया है। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, जब हमारा प्याज भून जाएगा उसके बाद में हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी। हल्दी मैंने 1/2 छोटी चम्मच से भी थोड़ी सी ज़्यादा डाली है हल्दी। इसके बाद ऐड करेंगे धनिया, 1 छोटी चम्मच धनिया, गरम मसाला 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। इसके बाद हम ऐड करेंगे लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च। खूब तीखी चटपटी सब्जी बनाएंगे हम, इसलिए मैंने मिर्ची मसाले बहुत तेज़ डाले हैं। और इसको अभी हम थोड़ा सा चला देंगे। और मसाले हम कभी भी डालें तो वो ड्राई रहते हैं तो उसके जलने के चांसेस रहते हैं, तो हमेशा उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना चाहिए। ज़्यादा नहीं डालना है पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 से 4 चम्मच पानी डालना है, छोटे चम्मच। अब हम इसे बहुत भुनने देंगे। इसमें सब्जी में मसाले की भुनाई बहुत ज़रूरी है, जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतनी ही सब्जी टेस्टी बनेगी। तो इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। तेल इसका सेपरेट होने लगेगा। और गैस का फ्लेम स्लो कर दीजिए मसाला भूनते समय, और स्लो पे आप छोड़ दीजिए और मसाले को भूनने दीजिए। तो देखिए इसका तेल निकलना शुरू हो गया है। अब इसके बाद हम 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे इसमें, हथेली से क्रश करके डालेंगे कसूरी मेथी। और इसके बाद अभी हम इसे चला देंगे। कसूरी मेथी से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, बटरी फ्लेवर आता है इसमें। तो ये देखिए कसूरी मेथी भी मिल गई है। इसके बाद में हम थोड़ा सा टमाटो केचप डालेंगे।
ये ऑप्शनल है, लेकिन टमाटो केचप डालने से हल्की सी स्वीटनेस आएगी और इसमें हल्की सी खटास आएगी, क्योंकि हमने टमाटर का यूज़ नहीं किया है इस सब्जी में। टमाटर का यूज़ बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ वही रेसिपी फॉलो करें, फिर देखिए आपकी सब्जी क्या मस्त बनती है। अब इसके बाद में थोड़ा सा मैं दूध डालूंगी, दूध नहीं है तो क्रीम डाल दीजिए, क्रीम नहीं है तो इसमें मलाई डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जो मसाला है वो उसके जितने भी फ्लेवर्स हैं वो थोड़े से दब जाएंगे, मतलब एकदम बोलते हैं ना जैसे मसाला है उसकी स्मेल, लहसुन की स्मेल एकदम आती है ना, वो नहीं आएगी। अब इसके बाद में हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। दूध डालने के बाद मसाले को हमने भूना था, उसमें भी देखिए तेल पूरा सेपरेट हो गया है। इस तरह से आप सब्जी एक बार जरूर ट्राई करके देखिए, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट ढाबे की सब्जी फेल हो जाएगी इसके सामने। तो ये देखिए अभी तेल इसका एकदम सेपरेट हो गया है। अब हमने पानी में से मटर और आलू को एक छलनी में निकाल लिया था, और उसके बाद में हम इसको चलाएंगे। अब कंसिस्टेंसी इसकी ग्रेवी की आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपको कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी है, ये देखिए। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। जैसा कि मैंने कहा है, कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखिए, आपको कितनी चाहिए। कितना अच्छा इसका एक कलर आया है, और इसकी पूरे घर में एक खुशबू आ रही है कसूरी मेथी की, और एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम इसे कुकर में शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने कुकर में शिफ्ट कर दी है, और इसमें मैं लगाऊंगी विसिल। तो इसमें मैं 3 सीटी लगाऊंगी। बड़ा कुकर होता है तो 1 सीटी में भी सब्जी हो जाती है, छोटा होता है तो कई सीटी लगानी पड़ती है। तो मैंने मेरे कुकर में 3 सीटी लगाई है, 3 सीटी में अच्छे से मटर भी गल जाएगी और आलू भी गल जाएंगे। तो ये देखिए 3 सीटी लग चुकी है कुकर का। थोड़ा विसिल जब ठंडी हो गई थी, कुकर ठंडा हो गया था, तो मैंने इसे खोल लिया है। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बन गई है ये। आलू भी चेक कर लेते हैं गले के नहीं गले। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप बनाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आलू को देखिए मैंने दबाकर देखा, आलू एकदम परफेक्टली कुक्ड हो चुके हैं। और अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए सब्जी का कलर देखिए, इसका क्रीमी टेक्सचर देखिए, और एक इसमें जो खुशबू आ रही है कसूरी मेथी की, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसको। तो सब्जी बनकर तैयार हो गई है, आप इसे रोटी चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।